बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, स्टार्टिंग विद द नेम ऑफ अल्लाह अलमाइटी हु इज़ वेरी मर्सीफुल एंड डिज़ाइनर ऑफ द यूनिवर्स। तो गाइस, जैसे कि आपको पता है, हमने माइटोकॉन्ड्रिया स्टार्ट किया हुआ है। माइटोकॉन्ड्रिया का पहला मैंने इसको बेसिक इसकी डेफिनेशन बता दी, इसकी डिस्कवरी बता दी है, इसकी कंपोजिशन बता दी है। तो आज की जो हमारी वीडियो बेसिकली स्ट्रक्चर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में, माइटोकॉन्ड्रिया दिखता है कैसा है, इसका स्ट्रक्चर कैसा है। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप सबसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूँगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और साथ में दिए गए बेल आइकॉन पर लाजमी प्रेस कर दीजिए। माइटोकॉन्ड्रिया इज़ अ बाउंडेड बाई टू मेम्ब्रेन, आउटर मेम्ब्रेन है इनर मेम्ब्रेन, यानी इसकी दो मेम्ब्रेन होती है, एक आउटर मेम्ब्रेन होती है और एक इनर मेम्ब्रेन होती है। आउटर मेम्ब्रेन स्मूथ स्मूथ होती है वो, इनर मेम्ब्रेन वार्म इन फोल्डिंग इन टू इनर चैम्बर कॉल्ड माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स। इसकी आउटर मेम्ब्रेन स्मूथ होती है और इनर मेम्ब्रेन इन फोल्डिंग होती है इनर चैम्बर की तरफ, यानी अंदर की तरफ वो मुड़ी हुई होती है, फोल्ड की हुई होती है, उसको माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स कहते हैं। और ये जो फोल्ड होती है इसको हम क्रिस्टी कहते हैं, ठीक है। अंडर कंपाउंड माइक्रोस्कोप दे आर पेयर्ड एज विजिकल रोड ऑफ फिलामेंट, यानी एक थैली नुमा होती है रोड, फिलामेंट छोटे छोटे दानों की तरह होती है। जब हमने इसको माइक्रोस्कोप के नीचे देखा तो ये विजिकल नुमा शक्ल थी, थैली नुमा थी, रोड से फिलामेंट्स की शक्ल में थी, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया ओव्यूल्ड बॉडी, ओव्यूल्ड बॉडी यानी एक अंडे नुमा की शक्ल जिसे कह रहे हैं ना, या जूती नुमा, सॉरी जूती नुमा शक्ल होती है, जिसका डायमीटर 0.5 से लेकर 1.0 माइक्रोमीटर तक होता है, इसकी लेंथ 10 माइक्रोमीटर होती है, ठीक है। ये इसका साइज हो गया। नेक्स्ट है इसका, नेक्स्ट इसमें बताया गया अंडर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप नीचे था, जब हमने इसे देखा तो ये कॉम्प्लेक्स थी, यानी इसमें जो शेप थी वो वेरी वाइल्डली थी, यानी काफ़ी ना वाइल्डली नज़र आ रही थी। इंटरनल स्ट्रक्चर इसका वाइल्डली था, डिस्ट्रीब्यूटेड था, ठीक है। इसकी डायग्राम दी गई है, इसमें आपको मजीद के लिए क्लियर हो गया होगा, ये अंदर ही तरह इनफोल्ड हुई, जिसका मैट्रिक्स का है ग्रैन्यूल जिसे दाने, इनर स्पेस है माइटोकॉन्ड्रियल, डीएनए इनर चैम्बर आउटर चैम्बर है, ये सारा है इसमें। एक और इसमें F1 पार्टिकल है, F1 पार्टिकल बेसिकली जो माइटोकॉन्ड्रिया मैट्रिक्स की तरह एक नोब कील नुमा स्ट्रक्चर होते हैं, जो बेसिकली रिकर पार्टिकल जिसको हम कहते हैं। इसमें बाद में आइडेंटिफाई इसको करके इन्होंने रिकर F1 पार्टिकल का नेम दे दिया था, यानी F1 पार्टिकल उसे कहते हैं जो माइटोकॉन्ड्रिया मैट्रिक्स की तरफ नोब नुमा यानी कील नुमा तीखे स्ट्रक्चर होते हैं, जिसको रिकर पार्टिकल कहते हैं, जिसके बाद में आइडेंटिफाई करके F1 पार्टिकल का नेम दे दिया था। तो ये था बेसिक इसका स्ट्रक्चर, उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट जो वीडियो मेरी होगी उसके फंक्शन के बारे में होगी। तो नेक्स्ट के लिए, नेक्स्ट वीडियो तक के लिए शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।